मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप 100 बार क्या 1000 बार भी बाइबल पढ़ लो, और अगर हमारा जीवन वचन के अनुसार नहीं है तो हमारा पढ़ना सब बेकार। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम सीख रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के बारे में। प्रकाशित वाक्य के इस श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। पिछले संदेश में हमने सीखा था समझ की आत्मा के बारे में, कि समझ की आत्मा क्या है, समझ की आत्मा का स्थान कहाँ पर है, समझ की आत्मा कैसे प्राप्त की जा सकती है, और समझ के आत्मा के द्वारा कैसे परमेश्वर के वचन को समझा और सीखा जा सकता है, और किस तरीके से समझ की आत्मा के द्वारा जो है इस संसार में अपने जीवन को जिया जा सकता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम सीखेंगे युक्ति की आत्मा के विषय में। जी हाँ, ये चौथी आत्मा है और जो युक्ति की आत्मा कहलाई जाती है, इसके विषय में सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो युक्ति की आत्मा है, युक्ति की आत्मा को इंग्लिश में जो कहा गया है द स्पिरिट ऑफ काउंसिल, यानी जिसका अर्थ होता है सलाह या मशवरा या परामर्श की आत्मा। जी हाँ, सलाह या मशवरा या परामर्श की आत्मा उसको कहा जाता है, जिसको हम काउंसिल या काउंसलिंग भी कहते हैं। जी हाँ, यहाँ पर जो है हमारे जीवन में आपने देखा होगा बहुत से लोग काउंसलिंग करने वाले होते हैं। बहुत से लोग जब डिप्रेशन में आ जाते हैं तो डॉक्टर उनको काउंसलिंग करता है उनकी, बहुत से डॉक्टरों के पास जाते हैं कि उनकी काउंसलिंग हो सके, उनका सुधार हो सके, उनका जीवन बचाया जा सके। बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं, इसकी बहुत पढ़ाई लिखाई भी होती है काउंसलिंग की जो होती है, और बहुत डिग्रियां लोग जो है काउंसलिंग के लिए प्राप्त भी करते हैं, ताकि वो दूसरों को काउंसलिंग करके उनके जीवन को बचा सकें, उनके जीवन को सुरक्षित रख सकें। ये आप कई तरीके से उनको देख सकते हैं, डॉक्टर के रूप में भी देख सकते हैं, आपके दोस्तों के रूप में भी हो सकते हैं, आपके भाई बहनों के रूप में भी हो सकते हैं, आपके माता पिता के रूप में भी हो सकते हैं, आपके गुरुजन के रूप में भी हो सकते हैं, गुरु लोग भी हो सकते हैं, धार्मिक गुरु भी हो सकते हैं, आपके कॉलेज के बहुत से प्रिंसिपल या प्रोफेसर या पीएचडी करने वाले लोग भी ऐसे हो सकते हैं जो आपके काउंसलिंग आपको काउंसलिंग दे सकते हैं, कर सकते हैं आपके लिए, और वो चाहते हैं कि आपका जीवन जो है वो बच सके, आप एक अच्छा जीवन जी सकें। ऐसे ही परमेश्वर भी यही चाहता है, परमेश्वर की भी यही धारणा है, इसलिए उसने युक्ति की आत्मा जो है इस दुनिया के अंदर भेजी, ताकि वो हमें काउंसलिंग कर सके, हमें काउंसलिंग कर सके, हमें सलाह दे सके, हमें मशवरा दे सके कि हमें किस तरीके से जीना चाहिए, किस तरीके से हमें जो है रहना चाहिए इस दुनिया के अंदर, किस तरीके से हमें परमेश्वर के समीप परमेश्वर की उपस्थिति में जो है बने रहना चाहिए। या देखिए, परमेश्वर हर विषय पर, जहां आज हम देखते हैं कि जिस विषय के ऊपर आज संसार कार्य कर रहा है, वो सारे विषय के ऊपर परमेश्वर पहले से सोच के कार्य करना उसने आरंभ कर दिया था। पहले से जब उसने मनुष्य को बनाया, प्रथम आदम को बनाया, तब से उसका आत्मा जो है वो कार्य कर रहा है, बल्कि उसका आत्मा अनादिकाल से जो है वो कार्य करता है। यहां पर आज हम इसी के बारे में सीखेंगे कि जो युक्ति की आत्मा है वो किस प्रकार से हमें सलाह देता है, क्या मशवरा होता है, क्या परामर्श हुआ हमें देता है, हम इसके बारे में सीखेंगे। जैसे संसारिक लोग वकील भी हो सकते हैं, जज भी हो सकते हैं जो आपकी काउंसलिंग कर सकें, ऐसे ही परमेश्वर का आत्मा जो है वो उसने काउंसलिंग का आत्मा दिया है जो हमें सिखा सकता है। परमेश्वर के आत्मा जो है, जो युक्ति की आत्मा है, उसके बारे में थोड़ी सी दो चार बातें हम लोग सीखेंगे। पहली बात क्या है, मसीह की बातों और उसकी शर्तों की सलाह देता है, आज्ञाकारिता के बारे में सलाह देता है, पवित्र शास्त्र से संबंधित परामर्शों में से कोई सलाह देता है, या हमारा मार्गदर्शन देता है, हमें मार्गदर्शन का हमें परामर्श देता है, सलाह देता है कि हमें किस मार्ग पर चलना चाहिए, किस मार्ग पर हमें जाना है और कैसा हमें मार्ग का चुनाव करना है, इन सारी बातों की वो सलाह देता है। मैं फिर अय्यूब में आऊंगा। देखिए, अय्यूब की पुस्तक एक ऐसी पुस्तक है, उसके अंदर बहुत सी बातें आज के जीवन को लेकर लिखी गई हैं। आज जो थियोलॉजी है, प्रोफेसी जो पढ़ाई जा रही है, और पीएचडी जो लोग कर रहे हैं किन्हीं किन्हीं विषयों पर कर रहे हैं, उन विषयों को अगर हम देखें, अय्यूब की पुस्तक में बहुत सी ऐसी चीजें हमें मिल जाती हैं जहां परमेश्वर ने ये सारी चीजें पहले से निर्धारित कर रखी थी। जी हाँ, मेरे साथ आप निकाल सकते हैं अय्यूब 42 अध्याय और उसका 2 पद, यहां पर लिखा है अय्यूब क्या कहता है, मैं जानता हूं
कि तू सब कुछ कर सकता है, ध्यान दीजिएगा, और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती है। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, अय्यूब सबसे पहले कहता है कि मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है। जैसा हम लोग कहते हैं ना कि परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, यह बात बिल्कुल फैक्ट है। परमेश्वर ऐसे अद्भुत काम कर सकता है जो कोई नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि उसने समुन्द्र के दो भाग कर दिए। एक बहुत बड़ी बात है, आज तक ये ना सुनने को आया ना देखने को आया, बल्कि अगर आप आज हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वैज्ञानिक इस बात को मानते हैं कि समुन्द्र के दो भाग हुए। कितनी अद्भुत भाग है कि इतना बड़ा समुंदर, इतना गहरा समुंदर, उसके दो भाग कैसे हो सकता है? परंतु परमेश्वर ने यह कर दिखाया। तभी वो कहता है कि परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। अय्यूब जो कह रहा है कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, ऐसी कौन सी बात है जो परमेश्वर से नहीं हो सकती है? इसलिए आप क्यों चिंता करते हैं, क्यों परेशान होते हैं कि परमेश्वर, जो हमारा परमेश्वर, जो जीवित परमेश्वर, जो सच्चा परमेश्वर है, जो सब कुछ कर सकता है, हमें उस पर विश्वास और भरोसा रखना चाहिए। यहां मैंने पढ़ा ना कि वो सब कुछ कर सकता है, और लिखा है क्योंकि तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। और तेरी युक्तियों में से, यानी तेरी जो तू सलाह देता है, जो परामर्श देता है, जो बातें बताता है, उसमें से कोई नहीं रुक सकती। जो परमेश्वर ने युक्ति करी है, जो सलाह कर ली है, जो परामर्श कर लिया है, प्रभु यीशु मसीह के साथ मिलकर, अपनी आत्मा के साथ मिलकर, वो पूरी होनी होनी है। उसको कोई रोक नहीं सकता है। वो चाहे हमारे जीवन के लिए हो, चाहे हमारे समाज के लिए हो, चाहे हमारे देश के लिए हो, चाहे इस संसार के किसी भी देश के लिए हो, या इस संसार के किसी भी भाग के लिए हो, वो पूरा होकर ही रहता है। परमेश्वर कहता है, लिखा है ना आखिर में, लिखा है अर्थात तू अपने कोई विचार या सलाह परामर्श को रोक नहीं सकता है। वो परमेश्वर पूरा करता है। जैसे प्रकाशित वाक्य 5:6 पद में लिखा हुआ है, आप निकाल सकते हैं प्रकाशित वाक्य 5:6। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो वध किया हुआ मेमना देखा, उसके 7 सिंह और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। जी हाँ, ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो पृथ्वी पर भेजी गई हैं कार्य करने के लिए। अब इस पद को हमने पिछले संदेशों में बताया था कि परमेश्वर की 7 आत्माएं जो हैं पृथ्वी पर घूमती रहती हैं। परमेश्वर की 7 आत्माएं, और जिस व्यक्ति को परमेश्वर जिस गुण से या जिस आत्मा से भरना चाहता है, उससे परिपूर्ण कर वो उनको क्या करता है, उनसे अपने कार्य को कराता है। जैसे पिछले संदेश में हमने देखा समझ की आत्मा के द्वारा कैसे परमेश्वर समझ की आत्मा से परिपूर्ण करके अपने कार्य को सिद्ध कराता है, और ऐसे ही परमेश्वर जो है हमसे ये सारे काम जो है वो प्रकट कराता है इन 7 आत्माओं के द्वारा। प्रेरितों के काम 8:26 उसका 26-28 पद तक देखेंगे कि परमेश्वर जो है किस युक्ति की आत्मा के विषय में बात कर रहा है, और कैसे वो अपनी समझ की, बुद्धि की, ज्ञान की, इनकी आत्माओं से जो है परिपूर्ण करके कार्य करता है। प्रेरितों के काम 8:26 उसका 26-28 पद तक यहां लिखा है, प्रभु ने अपना एक सरदूत भेजकर फिलिपुस को दक्षिण के मार्ग पर जो यरूशलम से गाजा में जाता था। देखिए फिलिपुस को क्या करा, यहाँ थोड़ा सा मैं डिटेल बता देना चाहता हूँ, आप इसमें 26-28 तक पढ़ लीजिएगा कि फिलिपुस को उसने भेजा है, और उसको क्या कहा कि उसको सारी समझ दे रहा है और सब कुछ बता रहा है कि कैसे जो है उस मार्ग पर जाना, कि एक जो कूश देश का एक व्यक्ति है और वो जो है खजांची है, और वो यरूशलम से आराधना करके लौट रहा है, तो उसके पास जा और उससे बातचीत कर। जब आप इन पदों को पढ़ेंगे तो इसमें ये सारी चीजें हैं, वो लौट रहा है और वो यशया की जो भविष्यवक्ता है उसकी किताब को पढ़ता हुआ जो है वो लौट रहा है। अब प्रेरितों के काम 29:31 पद तक पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 8:29 29-31 पद तक पढ़ेंगे। 29 पद में लिखा है, तब आत्मा ने फिलिपुस से कहा निकट जाकर इसके रथ के साथ हो ले। देखिए अब आत्मा यहां क्या कर रहा, फिलिपुस को परामर्श दे रहा है, सलाह दे रहा है। क्या सलाह दी उसने कि तू इसके रथ के साथ हो ले है? अब वो उसको रोक नहीं रहा है, उसको जैसे हम लोग कहते हैं अरे भैया रोक लो, हम लोग गाड़ी के लिए
इंतजार करते हैं या किसी गाड़ी से लिफ्ट लेते हैं तो हम उसे रोकते हैं, थंब दिखाते हैं या उसे हाथ देते हैं या उसे आवाज देते हैं रोकते हैं। यहाँ ऐसी सलाह उसने नहीं दी, बल्कि आत्मा ने उसे क्या सलाह दी कि तू उसके रथ के साथ जो है उसके रथ के साथ हो ले। तीसवें पद में है, फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? अब देखिए यहां पर ध्यान देने की बात है, यहां पर क्या कह रहा है, वो उसके रथ के साथ साथ दौड़ा। अब इसका मतलब क्या है कि वो जो कूश देश का खजांची था और जो खोजा कहलाता था, वो यशायाह की किताब को मन में नहीं पढ़ रहा था बल्कि जोर जोर से पढ़ रहा था। अब बड़ी अद्भुत बात है, जोर जोर से क्यों पढ़ रहा था? ताकि लोग चलते हुए सुने कि वो क्या पढ़ रहा है, परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा है, परमेश्वर की आवाज को पढ़ रहा है, उस पुकार को जो सबके लिए है वो पढ़ रहा है। और यहां पर जो है वो पढ़ रहा है, फिलिप्पुस उससे पूछता है, तू जो पढ़ रहा है वो समझता भी है? अब ध्यान दीजिएगा, उसने बहुत ही अद्भुत तरीके से उत्तर दिया। आज हम लोग आपको पूछे, आप बाइबल को जो पढ़ रहे हैं वो समझते हैं? हाँ, हमें तो समझ में आती है साहब। ऐसे ऐसे लोग हैं, मैं पिछले संदेशों में कह चुका, लोग कहते हैं कि अरे साहब हमने 5 बार बाइबल पढ़ ली, हमने 10 बार पढ़ ली, हमने 15 बार पढ़ ली, हमने 20 बार पढ़ ली। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप 100 बार क्या 1000 बार भी बाइबल पढ़ लो, और अगर हमारा जीवन वचन के अनुसार नहीं है तो हमारा पढ़ना सब बेकार है। इसका मतलब हमने पढ़ तो ली परंतु समझ नहीं पाए। क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि परमेश्वर के समझ की आत्मा थी नहीं हमारे पास। क्यों क्यों नहीं थी? क्योंकि हम अपनी समझ का सारा ले रहे थे और परमेश्वर की सलाह के जो आत्मा है उस सलाह के अनुसार हम कार्य नहीं कर रहे थे। परमेश्वर की सलाह यही रहती है कि सबसे पहले आप जो है बुद्धि की आत्मा से परिपूर्ण हो, समझ की आत्मा से परिपूर्ण हो, परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण हो, स्टेप टू स्टेप। पहले परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण हो, फिर वो परमेश्वर की आत्मा से बुद्धि की आत्मा मांगो उससे परिपूर्ण हो, फिर समझ की आत्मा मांगो उससे परिपूर्ण हो। और ये कैसे मिलती है ये मैं पिछले संदेशों में आपको बता चुका हूं। तो ये सलाह जो है, सलाह की आत्मा जो है, युक्ति की आत्मा जो है, परामर्श की आत्मा जो है, इससे जो है सलाह लेना हाँ अनिवार्य होना चाहिए। और जब दूसरी आत्मा के द्वारा या दूसरी उस आत्मा के गुण हमारे अंदर होते हैं तो युक्ति की आत्मा जो है हमारे जीवन में, यानी परमेश्वर की सलाह जो है वह हमारे जीवन में काम करती है। परमेश्वर का वचन कहता है, अब 31 पद है, यहाँ कहता है, क्या कहता है, उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूंगा? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि वे चढ़कर उसके पास बैठे। देखिए, वो एक बहुत बड़ा खजांची था, ऐसे किसी के गाड़ी नहीं रुकवा सकते थे, ऐसे किसी के गाड़ी पे चढ़ नहीं सकते थे, है? और जब फिलिप्पुस ने उससे कहा कि तू जो पढ़ रहा है तू ये समझता है, उसने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा कि नहीं, मुझे इसकी समझ में नहीं आता है। क्यों नहीं समझ में आता? क्योंकि वो ये बता रहा है कि उसके पास समझ की आत्मा नहीं है। और इसलिए परमेश्वर ने सलाह दी फिलिप्पुस को कि तू उसके रथ के साथ दौड़ और उसको समझा। जब फिलिप्पुस ने परमेश्वर की सलाह पे काम करा, उस युक्ति की आत्मा के अनुसार कार्य करा, तब आप जानते हैं क्या हुआ? सब आप 8 अध्याय को आप पढ़ लीजिएगा, तब परमेश्वर का वचन कहता है कि तब उसने परमेश्वर के उस वचन को समझाया। ये यशायाह 53 चैप्टर को पढ़ रहा था, जी हाँ, यशायाह 53 अध्याय को पढ़ रहा था। और जब उसने 53 अध्याय को पढ़ाया कि वो किसके बारे में है, और जब उस खोजे ने ये सीख लिया कि यार ये तो यीशु मसीह के बारे में है, मेरे उद्धारकर्ता के बारे में है, उद्धार को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तब उसने तुरंत रथ रुकवाया। अब देखिए, अब जब उसने इस चीज को समझ लिया, समझ की आत्मा आ गई, अब क्या है, अब युक्ति की आत्मा काम कर रही है। जब परामर्श की आत्मा से वो परिपूर्ण हो गया खोजे, अब युक्ति की आत्मा यानी सलाह की आत्मा काम कर रही है। अब सलाह क्या दी, सलाह की आत्मा क्या सलाह दे रही है? रथ को रुकवा। कहां देखकर रुकवाया? देख, बहुत पानी है, अब तू रथ को रुकवा। फिर सलाह ने क्या कहा? अब तू उद्धार की योजना को पूरा कर अपने जीवन में। उसने तुरंत रथ रुकवाया कि भाई रथ रोको, यहां तो बहुत पानी है, अब मुझे जो है बत्तीसवां लेने से कौन रोक सकता है, उद्धार लेने से कौन रोक सकता है? फिलिप्पुस ने कहा बिल्कुल आइए। आप फिलिप्पुस को भी देखिए, दोनों उस सलाह की आत्मा के द्वारा कार्य कर रहे हैं। उसने उसकी आत्मा की सलाह को माना, रथ रुकवाया, दोनों उतरे, जल में गए और उन्होंने बपतिस्मा लिया और उनका उद्धार हुआ। जब इस तरीके से कार्य करते हैं सलाह की आत्मा के द्वारा, उस युक्ति की आत्मा के द्वारा, तो परमेश्वर के कार्य
बड़े सटीक तरीके से हमारे जीवन में पूरे होते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा, अब देखिए, अब हम यहां ये तो खोजे और फिलिपुस की बात थी, अब हम दाऊद के ऊपर आते हैं। दाऊद के बारे में बहुत, देखिए दाऊद के बारे में बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ लिखा गया है, और लोग जो है दाऊद बहुतों का बहुत ये सोच लीजिए उनका हीरो भी है, सुपरमैन आप कह सकते हैं आज की भाषा में, आप उसको उनका सुपरमैन भी कह सकते हैं आप उनको, कि परमेश्वर ने उनको दाऊद के रूप में एक सुपरमैन दिया जिसने गोलियत को मारा। सही बात है, सुपरमैन ही था कि उसने गोलियत को मारा है। आज की भाषा में बच्चों बच्चे बड़े खुश होते हैं जब वह ऐसी शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उनको जल्दी समझ में आता है। एनीवे हम पढ़ेंगे भजन संहिता 33 अध्याय उसका 11वां पद, यहाँ लिखा है, यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेंगी। देखिए सर्वदा का मतलब क्या होता है कि हमेशा, यहां लिखा है परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा की युक्ति सर्वदा, यानी हमेशा परमेश्वर हमेशा लोगों के बीच में अपनी सलाह की आत्मा को भेजता है और उन्हें सलाह देता है। जब भी हम कुछ बुरा करने जाते हैं या बुराई करने जाते हैं तो वो सलाह देता है, और वो सलाह की आत्मा हमारे जीवन में कार्य करती है कि हमें ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमें इन बुरे लोगों से मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, हमें उस बुराई में सम्मिलित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखिए अंदर हमारे एक युद्ध छिड़ा होता है, हमारी आत्मा से सलाह की आत्मा जो होती है बातचीत करती है, नहीं ये गलत है, नहीं ऐसा नहीं है, आप कितनी भी परेशानी में क्यों ना हो आप ये कार्य मत करो, आप ये गंदा काम है, ये गलत काम है, ये परमेश्वर की नजरों में ठीक नहीं है। परमेश्वर वो सलाह की आत्मा जो युक्ति की आत्मा है वो हमें सलाह देती रहती है और सर्वदा जो है सदियों से देती है। अब लिखा है कि उसके मन की जो कल्पना है, देखिए जो कल्पनाएं परमेश्वर ने करी है, एक वचन आया है परमेश्वर का वचन कहता है जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूं वो तुम्हारे हानि के लिए नहीं है बल्कि लाभ के लिए। कभी कदार बहुत सी बुराई या बहुत सी परेशानी या चिंताएं या प्रॉब्लम हमारे जीवन में आ जाती है, हम कहते हैं या ऐसा क्यों हुआ, क्यों आने दिया परमेश्वर ने, परंतु देखिए हमारे क्या है वो सलाह की आत्मा हमें ये सलाह देती है, तू परेशान क्यों हो रहा है, परेशान मत हो। देखिए हमें क्या सलाह दे रही, परेशान ना होने के लिए सलाह दे रही, परेशान क्यों हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने कि जो भी कल्पनाएं हैं जो भी परमेश्वर की योजना है वो हमारी हानि के लिए नहीं है बल्कि हमारे लाभ के लिए है, इसलिए हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान दीजिएगा इस बात के ऊपर, परमेश्वर का वचन जो है वह हमेशा कहता है, और ये जो है परमेश्वर का आत्मा जो है हमें सही सलाह देकर हमें परमेश्वर के निकट लाता है, परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर आता है। अब ध्यान दीजिएगा इफिसियों 6 अध्याय उसके 11वें पद को जब हम पढ़ेंगे तो यहां क्या लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। इस पद को हम दो तरीके से देख सकते हैं, पहला उन लोगों को समझना है कि हम परमेश्वर की युक्तियों से यानी आत्मा से भर सकते हैं जो शैतान की युक्तियां हैं। देखिए जो शैतान की युक्तियों से भरे हैं, शैतान की सलाह से भरे हैं, शैतान के सलाह मशवरा लेकर जो है कार्य करते हैं। जब हम परमेश्वर की सलाह की आत्मा से भरे होते हैं तो हम जो शैतान जो युक्तियां करता है, शैतान जो अपने लोगों को अपने चाहे वो दुष्ट आत्मा के रूप में हो, चाहे वो इंसानों के रूप में हो, चाहे वो अधिकारियों के रूप में, आगे मैं पढ़ाऊंगा कि किस किस रूप में शैतान जो है वो अपने लोगों को तैयार करता है और उन्हें सलाह देता है, उनकी सलाह के आगे आप जो है परमेश्वर की सलाह के अनुसार जब आप खड़े हैं तो आप विजय होंगे। इसका एग्जाम्पल जैसे अभी मैंने दाऊद के बारे में बताया, सारे लोग इजरायली जो थे खड़े हुए थे जब गोलियत उनको क्या कहते हैं ललकारता था, और 40 दिन तक वो उनको ललकारता था, परंतु वो सब क्या थे, वो सब चुपचाप खड़े हुए थे। अब गोलियत जो था वो शैतान की युक्तियों को लेकर, शैतान की सलाह लेकर, परामर्श लेकर जो था वो परमेश्वर के लोगों को क्या कहते हैं ललकार रहा है युद्ध करने के लिए। वो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा डीलडॉल था, उसकी एक ढाल जो था एक आदमी पकड़ के चलता था, बहुत भारी उसकी तलवार थी, उसके मसल्स बहुत थे, और दाऊद उस समय 16 साल का था। परमेश्वर का वचन कहता है कि लाली जो थी उसके चेहरे से झलकती थी, कोई उससे लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ क्योंकि कोई भी परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण नहीं था वहां पर, मगर दाऊद परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण था। परमेश्वर की उस सलाह की आत्मा ने उसे सलाह दी कि तू जाकर लड़, तू लड़ जाकर, और किस चीज से लड़, कोई तलवार मत ले जाना, कुछ मत ले जाना। सिर्फ गोफन में उसने 5 पत्थर अपनी अंटी में रखे, 1 पत्थर निकाल के उसने गोफन में रखा और वही घुमाकर जो गोलियत के मारा। देखिए परमेश्वर की सलाह के अनुसार तो वो गया,
अगर परमेश्वर की आत्मा ने उसे सलाह नहीं दी गई होती तो वो भी डर के मारे ऐसे खड़ा होता, मगर वो परमेश्वर की आत्मा की उसने जो सलाह उसे दी थी उसने उस सलाह को माना और बिना डरे गया कि अरे परमेश्वर की आत्मा ने मुझे सलाह दी है और ये जो शैतान की आत्मा से सलाह लेकर यहां मेरे सामने खड़ा है ये टिक नहीं पाएगा। और सही बात है, वो टिक नहीं पाया। और यहां ऐसे ही परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है। यहां पर जो है दूसरा यहां पर है, जब आप इसको पढ़ोगे इंग्लिश शब्द में विल्स आया है जिसका अर्थ होता है छल कपट, यानी छल कपट। अब यहां पर हम सलाह की आत्मा भी कह सकते हैं और यहां पर जो होता है यानी जो सलाह दी जा रही वो छल कपट वाली सलाह दी जा रही है, यानी छल कपट वाली सलाह जो है वो दी जा रही है। मगर परमेश्वर का आत्मा छल कपट की सलाह नहीं देता। गोलियत जो खड़ा हुआ छल कपट की आत्मा से खड़ा हुआ। आज बहुत से लोग जो कार्य कर रहे हैं वो छल कपट की आत्मा के द्वारा कार्य कर रहे हैं। इसलिए पौलुस क्या कहता है दूसरा कुरंतियों 2 अध्याय उसका 11वां पद में, दूसरा कुरंतियों 2 अध्याय उसके 11वां पद में कि शैतान का हम पर दांव ना चले क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। शैतान की, देखिए अब यहां पर क्या लिखा हुआ है कि शैतान का दांव हम पर ना चले क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। आप कैसे अनजान नहीं है? क्योंकि आप परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण हैं, क्योंकि आप बुद्धि की आत्मा से परिपूर्ण हैं, क्योंकि आप समझ की आत्मा से परिपूर्ण हैं, क्योंकि आपको जो है परमेश्वर की आत्मा निरंतर सलाह देती है, युक्ति देती है, परामर्श देती है, उससे आप परिपूर्ण हैं। इसलिए आप जो है परमेश्वर बताता, देख अब ये करेगा तो चिंता मत करना, देख अब ये यहां पर तुझ पे अटैक करेगा, अब ये ऐसा करेगा, बिल्कुल परेशान मत होना क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और मेरे आत्मा जो है वो तेरे साथ है, इसलिए परेशान मत होना। यहां परमेश्वर का, और इसलिए वो उसकी हर चाल को हमारे सामने बताता है, प्रकट करता है। हमें काटने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है पलटा लेना तुम्हारा काम नहीं है, मेरा काम है। परमेश्वर कहता है देख मैं इसकी युक्तियों को, इसकी जो सलाह है, इसकी जो छल कपट की बातें हैं, छल कपट की सलाह लेकर जो ये आया है, कैसे मैं इसके छल कपट को दूर करता हूं। बहुत ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर पे भरोसा रखिए और वो इस काम को अंजाम देता है। परमेश्वर का वचन कहता है जैसे मैंने कहा ना, शैतान अपनी की जो आत्मा होती है, शैतान अपनी आत्माओं को भी भेजता है और वो किन किन को सलाह देता है, वो चाहे मनुष्य के रूप में हो, चाहे अधिकारी के रूप में हो, चाहे हकीमों के रूप में हो। हकीम मतलब रूलर, जो प्रभुता करते हैं, जो अधिकारी हैं, जो अंधकार की शक्तियों के रूप में हो, प्रधानों के रूप में हो। मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, आप इफिसियों 6 अध्याय उसका 12 पद जरा पढ़िए। जी हाँ, इफिसियों 6 अध्याय उसके 12वें पद में लिखा है क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हमारा यह मल युद्ध जो है वो कमजोर लोगों से नहीं है, ऐसे वैसे लोगों से नहीं है, किन लोगों से है वो बताता है, किन लोगों से, प्रधानों से है। ध्यान दीजिए, अपने आप को तैयार करें, परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण करें, प्रधानों से है। प्रधान जो है शैतान की शक्तियों से सलाह मशवरा लेकर हमारे सामने खड़े होते हैं कि इसके जीवन को कैसे धराशायी किया जाए। अधिकारियों से हैं, वो अधिकारी चाहे संस्था के अधिकारी हो, चाहे कोई भी अधिकारी क्यों ना हो, उन अधिकारियों से जो है, वो अधिकारी जो है शैतान उन्हें सलाह देता है कि इसके जीवन को कैसे नष्ट करो और ये जो सच्ची बात बोलता है इसको संस्था से निकाल दो, इसको प्रभु के काम से निकाल दो, तब इसे पता चलेगा, इसके सैलरी जो है वो बंद कर दो, कैसे मतलब वो सलाह शैतान की सलाह लेकर काम करते हैं। और लिखा इस संसार के अंधकार के हकीमों से, अंधकार के हकीम यानी अंधकार की सलाह के अनुसार जो दूसरों को पे रूल करते हैं, प्रभुता करते हैं, दबाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं और अपनी समझ का सहारा लेते हैं, उनके बारे में इस बात को है। और लिखा है जो आकाश में आत्मिक सेना है, दुष्टता की, दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है, सेना से नहीं, सेनाओं से लिखा है वह है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारी जो फाइट है वो कमजोर लोगों से या ऐसे वैसे लोगों से नहीं है, बहुत बड़े बड़े शक्तिशाली लोगों से है। मगर आप बेफिक्र रहिए, परमेश्वर की आत्मा हमें विजय बनाता है, परमेश्वर हमें विजय बनाता है, परमेश्वर की सलाह हमें विजय बनाती है, अच्छी सलाह, क्योंकि परमेश्वर सही सलाह देता है। और इसलिए क्या कहता है लास्ट में, मैं आखिर में बताना चाहूंगा, इफिसियों 6 का 13 पद है, यहां लिखा इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके इससे रह सको। जी हाँ, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। आप पढ़ लीजिएगा, जब आप इफिसियों 6 अध्याय उसका 14 से 17-18 पद तक पढ़ लीजिएगा, परमेश्वर के हथियारों के बारे में लिखा हुआ है, वो सब हम बांध लें। और जब हम उससे परिपूर्ण हो जाते हैं,
उस वो आत्मा के सारे हथियारे जब उन आत्मा के हथियारों से भर जाते हैं, तब शैतान कितने भी जलते हुए तीर फेंके, कितने भी फेंके, हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं असर पड़ेगा? क्योंकि हम परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण हैं और परमेश्वर हमारे चारों तरफ शरण स्थान है हमारा। परमेश्वर एक दृढ़ गढ़ है हमारा, हमारे चारों तरफ एक चट्टान के रूप में खड़ा हुआ है और हम पे आंस तक नहीं आने देता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम जो भी काम करें, हम जैसा भी काम करें, हम जीवन इस संसार में जीवन को जिए, सब परमेश्वर की सलाह और मशवरा के अनुसार जिए। परमेश्वर की आत्मा की युक्ति की आत्मा से परिपूर्ण होकर, सलाह की आत्मा से परिपूर्ण होकर अपने जीवन को जिए, ताकि प्रभु के राज के वारिस हो सके। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। आमीन।